हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस डिज़ाइन का पूरा डिटेल के साथ हम वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को इसका मार्किंग बता के दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका मार्किंग करना है। और पूरा इसका मार्क हम बता देते हैं कि हम कितना पे कौन बनाए हैं और कितना पे क्या हमने तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसका साइज हम बता दें कि इस बरंडे का साइज कितना है। तो साइज जो लंबाई है इसका यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको पड़ जाएगा 20 फीट के आसपास। ठीक है, इसका चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 6 फीट का। ठीक है, ये चौड़ाई है 6 फीट 4 इंच। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 6 फीट 4 इंच, लंबाई है 20 फीट। ठीक है, अब डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले आप लोग को सेंटर निकाल लेना है। जैसे सेंटर निकाल कर हमने धागा यहाँ पर लगाया था, ये सेंटर वाला धागा है। इस धागे पर से हमने इधर लिया है 3 फीट। ठीक है, इधर इधर देखिए, इधर लिया है हमने 3 फीट और यहाँ से आगे लिया है 3 फीट। यानी टोटल ये जो सेंटर वाला डिजाइन बनाए हम 6 फीट बनाए हैं। इसके चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है पूरा इसका 2 फीट, चौड़ाई 2 फीट है इसका। ठीक है, ये इसका मतलब लंबाई है 6 फीट, चौड़ाई है 2 फीट, 2 बाई 6 का हमने बनाया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका जो जगह हम बात करें तो ये 10 इंच पे है। ठीक है, ये 10 इंच बनाए हैं। और रहा बात इस दीवार से, और ये भी मतलब 5 इंच का पट्टी बनाने का, इसका हम 8.5 इंच पे इसको क्रिएट किया है। ये वाला 8.5 इंच पर क्रिएट किया है। और इसका जो लंबाई है 6 फीट इसके साथ हुआ है। देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर है, दिखाओ इधर, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। और ये बाला जैसे ज्वाइंट किए हैं, ये भी आप लोगों को बता दिए हैं। सेंटर में 2 बाला लगाए हैं, एक उधर और एक इधर। ठीक है, सेम वही प्रोसेस इधर भी किए हमने। और रहा बात इसका, तो इसका आप देख सकते हैं कि इसका पूरा साइज हम बताते हैं आप लोगों को। पूरा साइज जो है ये है 4 फीट का। टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 फीट का है। इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से जो आप इसके लिए आप जो निशान लगाएंगे, इसी निशान का सेंटर निकाल के यहाँ पे एक निशान कर देंगे। ठीक है, और निशान करने के बाद से यहाँ से यहाँ फिर 2 फीट करेंगे और इसका जो सेंटर है यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एक धागा लगा दीजिएगा। ठीक है, धागा लगाने के बाद से फिर इस कोने पर जहाँ पे यहाँ पे कट हुआ है, देखिए यहाँ पे कट हुआ है, इस कोने से यहाँ तक ऐसे धागा पटकना है। ठीक है, फिर ऐसे धागा पटकना है। इस तरह से धागा पटक के इसका जो मतलब मार्किंग आप लोगों को लगाना है। मार्किंग लगाने के बाद से फिर आपका फार्मा का जो मतलब जितना आपको जगह चाहिए फार्मा पर, जितना फार्मा आपका साइज में, जैसे कि आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला साइज में बोल रहा हूँ, ये साइज जितना है उसके धागे के आगे रख के आप लोग इसका मार्क लगा देना, जिसका आप लोग चेपी लगाना है। ठीक है, चेपी लगाने के बाद इसको क्रिएट करके और आप इसको भराई करके बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को इसको बनाना है। बाकी इसमें आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी आप लोग को दिक्कत होता है बनाने में, तो आप लोग मेरे को कमेंट करना और हम बनाएंगे इसका ड्रॉइंग बना के आप लोगों को समझा देंगे अच्छा तरीका से, इस डिजाइन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाकी आप पूरा डिजाइन देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजाइन दिख रहा है। और एक खुद से डिजाइन हम लोग क्रिएट किए हैं, जो इसका बरांडा को मतलब नज़र में रखते हुए इस डिजाइन को बनाए, इतना लंबा बनाए हैं डिजाइन। तो डिजाइन काफ़ी अच्छा है दिखने में भी और सुंदर भी दिख रहा है। ठीक है, ये साइड से दोनों तरफ से ये त्रिभुज बन गया है। और बाकी जो ये साइड में वाला हम ज्वाइन करके बनाए हैं, तो डिजाइन मतलब अच्छा हो गया है। इसमें पाटा नहीं बनाया, जगह कम था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं पेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलिए आज की वीडियो को यहीं करते हैं।